से अकीदा बोल देता है। सारा मजमा नबी की मोहब्बत में, हाथों को उठाइए, बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह, और एक मर्तबा बोलिए रब्बैक या रसूल अल्लाह। कि ताल्लुक किसका है किसे, ताल्लुक किसका है किसे, अकीदा बोल देता है। ताल्लुक किसका है किसे, अकीदा बोल देता है। है किसके नाम का सजदा, है किसके नाम का सजदा, मुसल्ला बोल देता है। है किसके नाम का सजदा, है किसके नाम का सजदा, मुसल्ला बोल देता है। और सरापा 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 मुजजा है मुस्तफा की जात, सरापा मुजजा है, सरापा मुजजा है मुस्तफा की जात। इशारा जिनका पाते ही गूंगा बोल देता है, इशारा जिनका पाते ही गूंगा बोल देता है। और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह तक शेर पहुंचाता हूँ, जो ख्वाजाए पाक के मानने वाले हैं, जो ख्वाजाए पाक के गुलाम हैं, वो जरूर हाथों को उठाएंगे और मचल के कहेंगे मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह। हजरत शायर कहता है कि ख्वाजा ने ख्वाजा ने ख्वाजा ने गरीबों की किस्मत को सजा डाला, ख्वाजा ने ख्वाजा ने गरीबों की किस्मत को सजा डाला, नाना का मदीना भी अजमेर बना डाला, नाना का मदीना भी, नाना का मदीना भी अजमेर बना डाला। और जन्नत 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 जो बाटी शहे जिला ने मुरीदों को, जन्नत जो बाटी शहे जिला ने मुरीदों को, तो ख्वाजा ने भी जन्नत का दरवाजा बना डाला, तो ख्वाजा ने भी, तो ख्वाजा ने भी, तो ख्वाजा ने भी जन्नत का दरवाजा बना डाला। और कुरान के मुखालिफ का खाक मिटाएगा, कुरान के मुखालिफ, कुरान के मुखालिफ का खाक मिटाएगा। अरे प्यारे रसाने कंजुल ईमान बना डाला, प्यारे रसाने, प्यारे रसाने, प्यारे रसाने कंजुल ईमान बना डाला। और हजरत वालिदैन से मोहब्बत करने वाले हैं, हजरत बड़ी अच्छी तकरीर कर रहे थे, वालिदैन की मोहब्बत में चार अशआर मेरे जहन में आ रहे हैं। वालिदैन से सच्ची मोहब्बत है तो दोनों हाथों को उठाइए और मोहब्बत फिसकार बोलिए या रसूल अल्लाह, एक मरतबा और बोलिए रब्बैक या रसूल अल्लाह। के जमी पे जमी पे जमी पे सिर्फ एक ही औरत दिखाई देती है, जमी पे सिर्फ एक ही औरत दिखाई देती है, बस एक माँ की मोहब्बत दिखाई देती है, बस एक माँ की मोहब्बत दिखाई देती है। और ए बूढ़ी माँ तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, ए बूढ़ी माँ तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है, हर एक लकीर में, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। और इबादतों का खजीना दिखा के ले आऊं, इबादतों का खजीना दिखा के ले आऊं, वहां से खुल्द का जीना दिखा के ले आऊं। और मेरे करीम, मेरे करीम, मेरे करीम तो मुझको इतना नवाज दे, मेरे करीम तू मुझको इतना नवाज दे, मैं अपनी माँ को मदीना दिखा के ले आऊं। मेरे करीम तू मुझको इतना नवाज दे, मैं अपनी माँ को मदीना दिखा के ले आऊं। दीजिए हजरात में अपना रुख शायर की तरफ करता हूँ, जो दूर दराज से तशरीफ लाए हजरत शायर इस्लाम बुलबुल बाकी रजा जनाब सलीम रजा साहब, आपकी दयारे मोहब्बत में हाजिर हैं। आप इनको सुनना चाहेंगे तो थोड़ा थोड़ा 50-50 किराम आगे को तशरीफ ले आएंगे। बहुत जल्द माहौल बना लीजिए, हजरत जो है इस वक्त में बड़ा अच्छा जो है मूड बना हुआ है, पूरी शायरी के साथ स्टेज पर रौनक अफरोज हैं। थोड़े थोड़े आगे तशरीफ ले आएंगे तो इंशाल्लाह काम बन जाएगा। नबी से अगर मोहब्बत करते हैं, पैगम्बर इस्लाम के अगर चाहने वाले हैं, तो मेरे बाप के नाम पर नहीं, मेरे खानदान के नाम पर नहीं, बल्कि रसूल पाक के नाम पर थोड़े थोड़े आगे के लिए तशरीफ ले आइए। थोड़े थोड़े आगे के ये तमाम ही हजरात आ जाएंगे तो माहौल बन जाएगा। लीजिए इस्तकबाल कीजिए, जोरदार नारा लगाइए, अपने हाथों को जो है बारहवीं शरीफ के झंडों को झंडा बनाइए और हवा में लहराइए, पुकारिए नारे तकबीर। अभी देख रहा हूं मैं कुछ लोग कंजूसी कर रहे हैं, आप अगर नबी की मोहब्बत में हाथ उठाएंगे तो प्यारे कभी हाथ में नकवे का असर नहीं होगा और तमाम बीमारियों से आपका हाथ महफूज हो जाएगा। तमाम ही हजरात नबी की मोहब्बत में, आकाए करीम की मोहब्बत में हाथ उठाइए इस नियत के साथ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको मदीना शरीफ से देख रहे हैं। जोरदार नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैसाने आला हजरत,
जश्ने ईद मिलाद नबी, शायर इस्लाम सलीम रजा साहिब क़िबला, नारे तकबीर बस इन अशआरों के साथ के दिल 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 का दिया जला के हवाओं में रख दिया, दिल 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 का दिया जला के हवाओं में रख दिया, एक चांद नफरतों का अंधेरों में रख दिया। और दिल जीतना किसी का बड़े फन की बात है, दिल जीतना किसी का बड़े फन की बात है, खुदा ने ये फन तेरी अदाओं में रख दिया। ये बात सच है कि जहरा के लाल अच्छे हैं। वाह वाह बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बात सच है कि जहरा के लाल अच्छे हैं, जो उनके घर के हैं सबके ख्याल अच्छे। वाह वाह बेशक सुभान अल्लाह। ये बात सच है कि जहरा के लाल अच्छे हैं, जो उनके घर के हैं सबके ख्याल अच्छे हैं। और जिन्होंने इश्क मोहम्मद में चोट खाई है, अगर चकाल है लेकिन बिलाल अच्छे हैं, अगर चकाल है लेकिन बिलाल अच्छे हैं। जो दर पे जाते हैं उनको संभाल लेते हैं, हमारे ख्वाजा गरीबों को पाल लेते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर मुस्कुरा कर बोलेंगे तो डबल सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। इसलिए कि मुस्कुराना मेरे आका की सुन्नत है, तो मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। जो दर पे जाते हैं उनको संभाल लेते हैं, हमारे ख्वाजा गरीबों को पाल लेते हैं। और जनाबे से मुर्दों को जिंदा निकालते हैं, लहर से मुर्दों को जिंदा निकालते हैं। कि तीरगी में उजाला हमारा नबी। वाह वाह सुभान अल्लाह। जब शम्मा जलती है तो परवाना मचलता है, और जब नबी का जिक्र होता है तो दीवाना मचलता है। बेशक गोरखपुर के सुन्नी मुसलमानों, नबी की मोहब्बत में मचल गया। सुने कि तीरगी में उजाला हमारा नबी है, हमारा नबी रोशनी का हवाला, हमारा नबी है, हमारा नबी गैब से आला हमारा नबी, सबसे आला हमारा नबी, अरे सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी है, हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत सलीम रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर। और एक शेर सुने उलमाए इकराम की दुआ लेते, बहुत अच्छा शेर। कि सबसे औला व आला हमारा नबी, दर पे गए रोक सहे मत न फरमाइए। अरे जरा जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। के दर पे गए रोक सहे मत न फरमाइए, अरे भीख ले ने मदीने चले जाइए, भीख ले ने मदीने चले जाइए, अरे कोई सबसे बाला वो बाला।
अल्लाह हमारा नबी सबसे औला आला हमारा नबी। बहुत अच्छे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा। और पढ़ दूं? जी जी। अच्छा ये बताइए मैं लौट जाता तब अच्छा होता है या अब अच्छा हुआ? मतलब मैं आ गया तो अच्छा हुआ नहीं हुआ? अब ये जरूरी नहीं है कि वही आवाज निकले, जब तबीयत नासाज है तो वो आवाज नहीं निकल सकती। कौन सी आवाज? नेमते नेमते वाह वाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद सलीम भाई माशाल्लाह। आवाज तो बढ़ाइए माइक साहब, कम से कम आवाज ही बढ़ा दीजिए। मेरे मतलब का मैक बिल्कुल ही नहीं है, समझ लीजिए आप, बिल्कुल 1% मेरे मतलब का मैग नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ पढ़ने की। सुने पढ़ते तो पब्लिक समझती सीने में दम नहीं है, बोले दम नहीं है, और अगर खींच के पढ़ दे हम सुन बरेली तो मजमा कहता है वहां क्या उठा के पढ़ा, समझ रहे हैं? शेर अच्छा हो चाहे धीरे पढ़ा जाए चाहे जोर से पढ़ा जाए, इश्क होना चाहिए। जब नबी का इश्क सच्चा होगा तो शेर अच्छा होगा तो दिल तड़प जाएगा। बेशक। अब एक शेर सुने कि दिल है वो दिल जो तेरी याद से मरा, बनाने वाला है जिंदाबाद। तादु शरिया तादु शरिया तादु शरिया तादु शरिया अल्लाह। और इससे भी धीरे पढ़ना चाहता हूं मैं, इससे भी स्लो पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि दर्द देना चाहता हूं कि आपके अंदर दर्द कितना है।